अजूनही षटका दिला काही चेंडू शेष आहेत. यानंतर सामना मित्र आपण पाहणार आहोत नंबर वन विरुद्ध नंबर दोन गेल्या वर्षीचे संघ. आणि अशा प्रकारे सामना जिंकतोय जय हिंद देवरुंग संघ जे संपादन करतोय. अभिनंदन अभिनंदन जय हिंद देवरुंग अभिनंदन बलवंत विजय. आणि या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय जय हिंद देवरुंग संघाचा आकाश, ज्याने आकाशी टोलेजंग फटकेबाजी केली होती. आकाशने कटआउटला हिट केल्यामुळे त्यांना प्रशांत मात्रेजी यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक मिळालेलं आहे. आणि त्यांच्याच हस्ते मी त्यांनाच विनंती करतोय की आपण आपल्या सुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्यायचा आहे. ग्रामपंचायत सदस्य सन्माने
चॅम्पियनशिप जिंकून डोंगर रचण्याचा मानस व्यक्त केलेला आहे. तर घेऊन जातोय कॉमेंट बॉक्स मध्ये जिथे सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक ज्येष्ठ समालोचक मनोहर आले सर. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो लौट चलते हैं श्रोताओं एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में. बहुत खूबसूरत ग्राउंड का नजारा, सुंदर एक यादगार तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है. चारों तरफ हरे भरे वृक्ष और पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ, और ग्राउंड की शोभा जो जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड लगता है. चेरोबा कोन के लिए एक 67 रनों की चुनौती. द ओपनर बैट्समैन रवि एंड निलेश स्टैंडिंग ऑन इज क्रिच चेसिंग एंड फॉलोइंग द टारगेट ऑफ द 67 रन्स. आई थिंक द फर्स्ट ओवर फ्रॉम जतिन. सड़सठ रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी के बल्लेबाज रवि और निलेश अपने अपने क्रिच पर मौजूद हैं, जबकि हमारे कमेंटर बक्स की जानिब से पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए बोर्च पर लगाया गया है जतिन को. और एक्शन में आना पड़ेगा अंपायर को, वाइट डिसीजन. तो पहली गेंद जतिन की वाइट और खाता खुलता हुआ चेरोबा कोन बी का. जबकि चेरोबा कोन ए इस स्पर्धा से बाहर हो चुकी है. और यह गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शॉट खेला गया था. एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शॉट में ताकत नहीं लग पाया था. एक रन से पारी का स्कोर आगे तरफ बढ़ता हुआ दो रन. अब सामना करेंगे नीलेश. और ये गेंद इस वक्त पहले बाउंस में सीमा रेखा के बाहर जाती है चार रनों का इशारा अंपायर के द्वारा. धन्यवाद डीजे चेरोबा कोन को. अगर अगले पायदान पर खेलना है तो उनको इसी तरह से बल्लेबाजी करना पड़ेगा. करीब करीब 17 रन प्रति ओवर है, तो एक दो रन से तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है. उनको गेंद को बाहर निकालना पड़ेगा. हर ओवर में कम से कम 3 मरतबे गेंद को बाहर करना पड़ेगा. तो इस एक रन के साथ में पारी का स्कोर धीरे से आगे की तरफ बढ़ता हुआ 7 रन. अब सामना करेंगे रवि इस ओवर का अगली गेंद का, जबकि जतिन द राइट आर्म ओवर द विकेट. और शॉट ऑन फुल, कोई फील्डर नहीं वहां पर, क्योंकि पावर प्ले का खेल जारी है. और सीमा रेखा के पहले बहुत ही पहले गेंद को फील्ड कर लिए हैं दीपेश बाली. और दो रन आसानी से पूरा होता हुआ. इस दो रनों के साथ व्यापारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन. बालाराम शिकारी यांचा हार्दिक स्वागत है शूर मराठा क्रिकेट संघाचे. खूपच सुंदर खिलाड़ी होते थे. व्हाइट का इशारा आता हुआ एक बार फिर से अंपायर का. तो जतिन इस मरतबे भी अपने लेग आउट लाइन से भटकते हुए अब तक इस ओवर में 2 गेंदे व्हाइट कर चुके हैं. थोड़ा सा अपने लेग आउट लाइन से भटक चुके हैं जतिन. और पारी का स्कोर रुका हुआ है 2 अंकों में 10 रन. जतिन पूरी तरह से तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट. और देखिए किस तरह बैट फूट जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाए थे.
बहुत अच्छी फील्डर के द्वारा विक्की ये देखिए बैट्समैन किस तरह से फ्रंट फुट पर आ गए थे और 6 रनों का इशारा शायद सलामी के बल्लेबाज रवि और नीलेश दोनों बैट्समैन मेरी आवाज को सुन लिए थे। पहला ओवर समाप्त हुआ और 17 रन बनाए हैं जबकि करीब करीब 17 रन प्रति ओवर का एवरेज है, तो अच्छी शुरुआत, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं दोनों बैट्समैन। 17 रन बनाए हैं और उनको अगर अगले पायदान पर खेलना है तो इसी क्रम से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, इसी एक्शन इमोशन से उनको बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करके खासकर एक्विरा मानकोली को अगर अगले पायदान पर खेलना है तो अच्छे फील्डिंग और गेंदबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो एक्शन में देखने को मिलेगा, प्रशांत महात्रे को एक्शन में हम देख सकते हैं। और रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम कोशिश, और कोई रन नहीं, डॉट गेंद होती हुई। अगले राउंड पर कार्य पाए बी के बल्लेबाज जब बैटिंग पर आएंगे और उसमें और बहुत अच्छी गेंद, फाइन डिलीवरी, सीधा विकेटों के ऊपर से होती हुई गेंद विकेट कीपर के क्लज में, नर्वस दिखाई दे दिए बैट्समैन, एक रन आउट के तौर पर विकेट गिरता हुआ। तो श्रोताओं एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रशांत महात्रे जब बल्लेबाजी करने आएंगे अगले राउंड में तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ बस, कोई गेंद सिक्सर मारेगा तो कटआउट में नहीं लगना चाहिए, ऊपर से निकल जाए बोलो चलेगा, एकदम हवाई यात्रा करना चाहिए, लेकिन कटआउट पे नहीं लगेगा तो घर का पैसा घर में रह जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये गेंद इस वक्त सिर्फ एक रन मिलेंगे। देखिए इसके पहले भी जैसा मैं अनाउंसमेंट कर चुका था जतिन के ओवर पर कि 17 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, लेकिन तकदीर आ करके चेरोबा कौन की तकदीर को पलट दिए हैं। अब तक उन्होंने 3 गेंदे कर चुके हैं और सिर्फ 1 रन दिए हैं। फाइन डिलीवरी फ्रॉम तकदीर, वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी। तकदीर जो कि भिवंडी तालुके के एक जाने माने हस्ती है क्रिकेट की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है तकदीर का, वाकई में वो तकदीर के बादशाह हैं। और देखिए बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाए लेकिन पारी उनकी समाप्त होती हुई। नीलेश जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और बैड लक उनका, तकदीर ने उनकी तकदीर पलट दिए और 11 रन बनाकर वापस पवेलियन में जाते हुए नीलेश। हस्ती
हालांकि तकदीर को बल्लेबाजी में यहां पर थोड़ा सा निराशा साबित किए हैं दर्शकों को, नहीं तो एक वक्त था फर्स्ट या तो ओपनर आते थे तो फर्स्ट डाउन पर आते थे वो मान एक विराट मानकोली की तकदीर खोलने के लिए, और बहुत जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी उनको देखा गया है हर एक जगह पर, लेकिन यहाँ पर उनको गेंदबाजी में देखा जा रहा है खुद अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन विकेट कीपर ने साथ दिया और डॉट गेंद कोई रन नहीं। इस गेंद पर भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं तकदीर, और ओवर समाप्त होता हुआ हमारे साथी स्कोर बता रहे हैं कि इस ओवर में सिर्फ एक रन देकर दो विकेट लिए हैं। अब इससे ज्यादा बढ़िया गेंदबाजी और क्या हो सकती है। अठारह रन अब तक पूरे हो चुके हैं दूसरे ओवर के समापन पर। हालांकि पहले ओवर में चेरोबा कोन अपने फ्रंट फुट पर थी, लेकिन तकदीर ने आके चेरोबा कोन की तकदीर को पलट कर दिए, काफी बैक फुट पर ढकेल दिए हैं उस टीम को। तीसरा ओवर लेकर आए हैं दीपेश माली। हमारे कमेंट्री बॉक्स की जानिब से मोर्चे पर लगे हुए इस वक्त अब दीपेश माली, और सामना करने के लिए तैयार हैं विराज। फुल टॉस गेंद और स्ट्रेट ड्राइव किए हैं, लेकिन गेंद ज्यादातर आसमान में। दूसरे रन के लिए पलट चुके दोनों बैट्समैन और आउट। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या जबरदस्त अंपायरिंग का अंजाम दे रहे हैं हमारे सभी अंपायर महोदय। उनकी तेज निगाहों का जादू हमेशा क्रीज पर टिकी हुई रहती है। यहां से साफ दिखाई दिया कि बल्लेबाज का बल्ला हवा में रह गया था, लेकिन उसके पहले ही उनका विकेट गिरता हुआ रन आउट के तौर पर। और ये आसमानी टोला और कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, मेगा सिक्स। हेलो वेलकम सुनील। वेलकम सर पवन, वेलकम पवन सर, बहुत ज्यादा दिन हुआ मुलाकात हुए। और ये गेंद पर बीट हुए बैट्समैन और सीधा बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट को ऊपर से होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के क्लच में। डॉट गेंद, स्कोर अब भी रुका हुआ है 25-25 पर। अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है बल्लेबाजों का, अभी उनके पास काफी वक्त है, अगर वो चाहे तो अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा हर ओवर में। कम से कम दो गेंदें उनको जो है वो सीमा रेखा के ऊपर से बाहर करना है। लेकिन व्हाइट का इशारा, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया मैं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 26-26 रन इस ओवर की अगली गेंद, और ये गेंद 6 रनों का इशारा। अरे गुटका बिटका खा लगा है तू, अब तो आप भागी हो भागो पूजा मार खाना वाला तू इसे लेकर तू मेरे
और इस सिक्सर की मदद से पारी का स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 32 रन। अभी आधा रास्ता अभी नहीं पूरा हुआ है, जबकि आधा से ज्यादा समय बीत चुका है। उनको दूसरे ओवर में कम से कम 34 रन बना लेने का था। गेम शुरू कीजिए प्लीज, गेम को शुरू कीजिए, समय के मामले में पूरा सहयोग देंगे। एक बार फिर से अब दीपेश माली, बहुत अच्छी गेंद, फाइन डिलीवरी फ्रॉम दीपेश माली। और इसी के साथ में बोल्ड, क्लीन बोल्ड। अब आए हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए नए बैट्समैन हेमंत। दीपेश अभी उनका ओवर समाप्त नहीं हुआ है, अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं, लेकिन रन भी दिए हैं। और सामना करने के लिए नए बैट्समैन हेमंत दीपेश मालिका। और सीधा फील्डर के हाथों में गेंद कैद हो गई कैच के रूप में। ओवर समाप्त हुआ नंबर 3, जबकि थोड़ा महंगे साबित हुए, 14 रन दिए, लेकिन 2 सफलता प्राप्त किए दीपेश माली। अब आ रहे हैं आखिरी ओवर लेकर, चौथा और आखिरी ओवर। हालांकि पारी चरबा कोन बी काफी बैकफुट पर जा चुकी है, लेकिन नए बैट्समैन परेश स्वीकार का साथ देने के लिए। चौथा और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मोहित, और सामना करेंगे नए बैट्समैन, नए बॉलर परेश। नए बॉलर का सामना करेंगे नए बैट्समैन परेश। और ये गेंद को शॉर्ट आर्म फुल किया है, सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन का। हमारे साथी स्कोर बता रहे हैं कि 5 गेंदों में 29 रन बनाने पड़ेंगे, यानी बोलने का मतलब यह है कि हर गेंद पर सिक्सर लगाना पड़ेगा।
और थोड़ा माइंड प्रेशर में आ गए गेंदबाज, एक्शन में आएंगे अंपायर, व्हाइट का इशारा आता हुआ। अब पांच गेंदे वही हैं, पांच गेंदे हैं और 28 रन। दरमियान इसके इस ओवर की अगली गेंद और ये बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बैक फुट पर चली गई है चोरोबा कोन बी टीम्स। चार गेंदे 28 रन, इस गेंद के बाद में हमको ये कहना पड़ेगा ओनली फॉर्मेटी। गेंद कारपेट के सहारे इस वक्त डीप विकेट के फील्डर के हाथों में, एक रन लिए चहल कदमी के साथ में, एक रन लिए, ऐसा मालूम पड़ा जैसे दोनों बैट्समैन रानी बाग घूम रहे हों। एक बार फिर फील्डर के हाथों में, डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में गेंद, एक रन। अब इस मैच में सिर्फ ओनली फॉर्मेलिटी, सिर्फ औपचारिक बातें रह गई हैं। नए बैट्समैन मंगेश और काश के अगर मंगेश को बहुत पहले भेजा गया होता तो इसका नतीजा कुछ और ही निकलता। तो श्रोताओं, ये मैच जो अभी अभी समाप्त हुआ है, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है दीपेश माली। दीपेश माली को आगे आना हमारे वीआईपी डाइस पर। मंचा विराजमान बलराम सिकारी, अपना विनंती असेल की दीपेश माली या मैन ऑफ द मैच अवार्ड प्रदान करायचा आहे। दीपेश माली ज्याने अष्टपैलू खेळाची सुणूक दाखवली होती, अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी, त्यानंतर गोलंदाजी करताना दोन विकेट घेतल्या होत्या आणि फलंदाजी करताना 25 धावांची खेळी पेश केली होती, त्यामध्ये चार षटकांचा समावेश होता। अप्रतिम फॉर नेक्स्ट राउंड अभिनंदन आणि पुढील सामन्यासाठी आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा। अभिनंदन यशपाल माले, अभिनंदन तकदीर माले, अभिनंदन दीपेश प्रभाकर, आतिश